विजय यादव जी आपके पास आ जाते हैं, हमने आप शो कर रहे हैं, हमारे चैनल पे चल रहा है, आप लगातार जुड़ते रहे, आशंका थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, पहले आपको क्या लग रहा है अभी? बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में शामिल करने के लिए। मुझे याद है जब मैं पिछली बार चर्चा में आपके साथ जुड़ा था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि सर आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पे पहुंच चुका है और अधिकारी अपनी चाल में कामयाब होते दिख रहे हैं। वो असल में ये जो आज सिनारियो सामने निकल के आया है ये कोई हवा में नहीं हुआ है, ये चीजें पहले दिन से इसकी एक योजना बनाई जा रही थी अधिकारियों के द्वारा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि कम से कम हफ्ते 10 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद ही कोई नतीजे पे पहुंचेंगे। हम लोगों ने सर NIC में जानकारी इकट्ठा की, सचिव जो बेसिक परिषद है उनके यहाँ जानकारी इकट्ठा की, डायरेक्टर के यहाँ की, DG के यहाँ की, प्रमुख सचिव साहब के यहाँ। ऐसा नहीं है सर कि हम लोग सड़कों पर ही नहीं बैठे हैं, हमारे अपने भी लोग हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो जानकारियां दे देते हैं हम लोगों को। वो जानकारी एकदम बिल्कुल पुख्ता थी कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इस प्लानिंग में है, इस तैयारी में है कि मुख्यमंत्री से मीटिंग के बाद क्या रास्ता बचता है इस घोटाले को छुपाने का। उसमें उन्होंने रास्ता ये निकाला कि चूंकि अभी जो हमारे ये चाइनीज शिक्षक जिनको आपने लिख रखा, जो भाई बैठे हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी, तो इनको ये डर दिखाया जा रहा है कि देखो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी इसलिए तुम सुप्रीम कोर्ट भागो, हमसे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ो, ये मैसेज वहां से कन्वे करने की कोशिश की जा रही थी। और आज बड़े दुख के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी आज पहली बार नहीं, इस भर्ती में आज तीसरी बार, एक बार तब जब उन्होंने चयन सूची बनाई और घोटाला किया, दूसरी बार तब जब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 5 जनवरी 2022 को लिस्ट निकालने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई तब, और तीसरी बार माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी और मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद भी नियुक्ति न दी जाए, इन तीनों प्लानिंग में वो पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। और आज हमारा भी भविष्य और जो हमारे श्रीवास्तव भाई बैठे हैं इनका भी भविष्य, सबका भविष्य बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे पहुंच चुका है। यहां से दोहरा खतरा है, एक खतरा तो ये है कि मामला बहुत लंबे समय तक पेंडिंग हो जाएगा जिसमें हमारा नुकसान है, दूसरा खतरा यह है कि चूंकि सरकार ने कोई ठोस योजना बनाई नहीं है, कोई उनके पास विकल्प नहीं है, और बिना विकल्प के आदमी जब वहां सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जाएगा तो हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर इस मुकदमे को मेरिट पर डिसाइड कर देगा तो जो हमारे श्रीवास्तव भाई बैठे इनके जैसे बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो सड़क पर आ जाएंगे जैसे आज हम हैं। तो आज जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की हठधर्मिता, उनकी चोरी और उनकी बदनीयती की वजह से ये सब चीजें उत्पन्न हुई हैं। और कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की है, हम लोगों ने यही तैयारी भी की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ एक बात कहनी है कि देखिए पूरे देश में एक मैसेज था जब आप मुख्यमंत्री बने थे कि त्वरित न्याय होगा, बुलडोजर की बात आई, गोमती नगर की घटना सबने देखी, देश ने देखी, लेकिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती में वो कौन सा अधिकारी है जो आपके आदेश से भी ऊपर है, उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं और साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी पक्ष का अहित ना हो, स्टे ना हो जाए ताकि प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक लंबित रह जाए, उसका भी सरकार कोई निवारण लेकर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, क्योंकि पहली हियरिंग है, ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की तरफ से वहां कोई ना हो और उनको नोटिस इशू हो जाए, तो नोटिस भी इशू हो जाए तो ये मामला लंबा नहीं खींचना चाहिए। ये प्रक्रिया अब जिस नतीजे पे पहुंची है 4 साल के बाद, कम से कम यहां से समाधान हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से ही समाधान हो जाए और सरकार चाहेगी तो सर ये मामला एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। मतलब आपका कुल मिला के कहना है कि सरकार की इच्छा से ऊपर भी कुछ अधिकारियों का कॉकस है जो इस में आप लोगों के साथ न्याय नहीं होने दे रहा है। सर मैं तो फिर पिछली बार भी मैं जब आपके साथ बैठा था तब भी कहा था, आज दोहरा दे रहा हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ये पहला मसला पूरे देश में होगा जिसमें दोषी कौन है वो पता ही नहीं चल पा रहा है, सरकार बताना नहीं चाहती या बताने लायक जो उनका सरनेम होगा शायद वो नहीं हो सकता, ये भी एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो सामने लाने लायक सरनेम ना हो, ऐसा भी हो सकता है, और तीसरी कोई मुझे वजह नहीं दिखती। क्यों? इसलिए कि जिस देश में जिस प्रदेश में बात बात पे लोगों की जाति बताई जाती हो और दिखाकर कार्रवाई होती हो, तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 6,800 जो सरकार ने भी संगति मानी, हमारे सामान्य वर्ग के लोग जो वहां सुप्रीम कोर्ट में गए वो कह रहे करीब 10,000 लोग ऐसे हैं, मैं कह रहा हूं आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि चोरी से, बैकडोर से पैसे लेके तमाम तरह की नियुक्ति भर्ती में की गई है, जब वो सारी चीजें शामिल बाहर आएंगी निकल के तो कोई तो एक व्यक्ति होगा जो दोषी साबित होगा क्या? इस बात के जितने पैनलिस्ट हैं अभी आप श्रीवास्तव जी से पूछिएगा, सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे बैठे हैं, सपा के प्रवक्ता हमारी बहन बैठी हैं, आप सबसे इस बात को पूछिए ना कि क्या 69,000 शिक्षकों की भर्ती में कोई तो ऐसा रहा होगा जिसने गड़बड़ियां की, और वो गड़बड़ी करने वाला कौन है भाई?
जो मुख्यमंत्री से ऊपर है, भारत की सरकार से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, कोई तो होगा, उसका नाम देश दुनिया के सामने आना चाहिए। इस बात की मांग हम लोग कल माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। चलिए मैं अभिषेक आपके पास आता हूँ। सुभाषपा के प्रवक्ता राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी जी, तो सरकार की मंशा के अनुरूप चल रहा है 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना या चयनित वाले जो कैवेट लेके गए? आपने कहा सरकार इसमें अपना हाथ नहीं जलाना चाहती है क्योंकि इसमें गड़बड़ झाला इतना हो चुका है कि सरकार अपनी तरफ से जाती है तो या तो इनको नुकसान होगा जो आरक्षित अभ्यर्थी हैं, या जो चयनित होके नौकरी और सेवाएं दे रहे हैं उनको होगी। वो कोर्ट के डायरेक्शन को लेकर इतना संजीदा है कि कोर्ट से आ जाए तब हम कुछ करें। पुष्कर जी देखिए, माननीय कोर्ट जो है वो जो फैसला देगा या दिया है उसका फैसला सबको मानना होगा। और जो ये मामला चल रहा, ऐसा नहीं है कि ये नया मामला है, कई महीनों से चल रहा। और इस मामले को अगर कोई प्रमुखता से उठाया, 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, 403 में अगर इस मामले को कोई बहुत प्रमुखता से उठाया है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर। अभी कल आप लोग गए थे, जितने अभ्यर्थी हैं कल हमारे कार्यालय पे भी गए थे, और माननीय राजभर जी ने कहा है कि हम आपकी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री तक, कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस कोर्ट के फैसला को और आपके पत्रक को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और जल्द ही एक समन्वयक बैठक करा के, जो इनकी एक कमेटी है उनकी और माननीय महाराज जी की बैठक करा के, और जो जो कोर्ट का लाभ वो होगा, आदेश होगा, उस आदेश का पालन किया जाएगा। क्या राजभर साहब को भी कोर्ट का आदेश नहीं मालूम पड़ा है जो 16 अगस्त को आया? नहीं नहीं, कोर्ट का आदेश बिल्कुल मालूम पड़ा, तो उसको पालन क्यों नहीं करवा दिया? 26वां दिन लग गया। कोर्ट का आदेश अभ्यर्थियों को भी मालूम है, माननीय राजभर जी को भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है, तो 26 दिन में क्यों नहीं करवा दिया? सरकार हमेशा उन अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है जिनको कोर्ट ने कहा है कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। सरकार सारे जो काम है सरकार के वो माननीय कोर्ट के अनुसार चल रहा जी। कोर्ट ने कहा 90 दिन में कर लो, तो 26 दिन इसमें निकाल दिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंच जाए फैसला। दरअसल आप सरकार में हैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। दरअसल आप लोग इस तैयारी में हैं, मैंने कहा ना जैसे पहले कि सरकार अपना हाथ नहीं जलाना चाहती है। क्या राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने, ये वर्ग आयोग ने ये नहीं माना कि आरक्षण की विसंगतियां या आरक्षण नियमावली 1981 नहीं फॉलो की गई? उसके बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से ये फैसला नहीं आया कि इसमें नहीं गड़बड़ियां हुई? फिर 16 अगस्त 2024 को ये फैसला आ गया कि आप पूरी मेरिट लिस्ट लाइए या हटाइए इसको और नई लिस्ट लेके आइए, ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल गलत है। अब इसमें जब तक ये भी पड़ गया तो सरकार को नहीं लगता, जो 4 साल से जिनको उन पे आप लोगों ने भी, तब आप उनके साथ खड़े थे जब लाठियां पड़ रही थी इन लोग के बीजेपी कार्यालय और विधानसभा के सामने, ऐसा नहीं है इन लोगों ने छोटा मोटा राजभवन के सामने लखनऊ में सिर मुड़वा दिए लड़कियों ने, लेकिन इस सरकार को आवाज नहीं पहुंच पा रही थी या वो अधिकारियों का कॉकस इनको नहीं समझने दे रहा था कि इन लोगों के साथ गलत हुआ। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री, मौजूदा भी, उस सरकार में भी 2017 में भी, तब ये हुआ कि नहीं हो रहा है? केशव प्रसाद मौर्य ने माना, 16 अगस्त को एक ट्वीट चलाया कि बड़े लंबे संघर्ष के बाद जीत मिली है। ये बैठे सरकार में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं फिर क्यों नहीं? उसके बाद जब इन लोगों ने घेराव किया 2 सितंबर को केशव प्रसाद मौर्य घर का, उन्होंने तुरंत एक्स पोस्ट पे लिखा कि हम लोगों ने तो मैंने तत्काल प्रभाव से दिया है। 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में एक लिस्ट नहीं बन पाई, या 16 अगस्त से अभी तक लिस्ट नहीं बन पाई। अब किसी भी अधिकारी से मैं चर्चा, लखनऊ अपने
संवाददाताओं से कर रहा था कि जरा बात कीजिए अधिकारी, बोले अब तो कोर्ट में मामला पहुंच गया, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा वो मान्य होगा। ये 4 साल इनके कहाँ चले गए, विजय यादव की जिंदगी के ये 4 साल, अगर क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जीत के आए, क्योंकि अभी तक हर जगह से जीत के आए हैं, जिन जिन सीढ़ियों पे जाना था, तो अब टॉप मोस्ट पे तो एकदम से फैसला पलट नहीं जाएगा, और ये तो आप भी मान रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माना, फिर ये देरी क्यों? देखिए क्या है कि अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, 90 दिन का समय दिया था हाई कोर्ट ने, और 90 दिन में जो भी अधिकारी हैं, जो भी मंत्रीगण हैं, या जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो अभ्यर्थी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जिसका विभाग हो, सब अपना काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 90 दिन पर्याप्त था काम करने के लिए, इन लोगों को रुकना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट चले गए तो फिर मैं जाता हूं। ठीक है, आपकी बात है, अब अगली बार आऊंगा, पहले नेहा जी से भी पूछूंगा। अभिषेक जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपने गलत कैवियट लगा दी। सर प्रणाम पहले आपको और आपके सारे पैनलिस्ट को भी। सर आपने, सर हम चयनित शिक्षकों को, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे TV9 जो कि पूरे इंडिया सुनता है सर उसको, इसके लिए पहले थैंक यू सर। सर जैसा आपके ये राघवेंद्र जी ने कहा सर, ठीक है, उनकी बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सर सुप्रीम कोर्ट हम लोग क्यों ना जाएं सर, ये बताइए। जब पहली बार मुख्यमंत्री जी, जो हमारे इतने न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमें 17 तारीख 18 तारीख को ही आश्वासन दे दिया था कि किसी का भी अहित नहीं होगा, लेकिन सरकार कभी कोई एक कार्ययोजना के साथ बाहर आई ही नहीं सर, और कि वो कैसे हम लोगों का हित सुरक्षित करेगी। उसके बाद सर जैसे अभी विजय भाई ने एक हम लोगों को कहा कि अगर हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारा भी हित प्रभावित हो सकता है। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि हम जितने भी चयनित 67867 की लिस्ट में हैं, हम सबके सब पहले भी वैध थे, आज भी वैध है और कल भी वैध रहेंगे। नहीं, आप तो वैध है, कहने की बात नहीं। इसमें तो कहीं है ही नहीं। अब वो सरकार लिस्ट बनाएगी, वो सरकार लिस्ट बनाकर देगी। सर एक मिनट मुझे दीजिए सर, ये जब से ये डबल बेंच, माननीय डबल बेंच का फैसला आया है सर, मुझे दुख और पीड़ा बस इस बात का है कि उस दिन से लगातार ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है सर। हम लोगों की भी वेदना होती है कि हम लोग जैसे गलती से चयन पा गए, ऐसा नहीं है सर। अगर आपको ऐसा लगता है, मैं आपके पटल से कहता हूं कि अगर मेरे गुणांक से या जो भी चयनित सवर्णों के गुणांक से अगर विजय भाई का गुणांक ज्यादा है तो आप इनको नियुक्ति दे दीजिए। और रही बात सर जहां तक नई चयन सूची बनाने की, तो सर नई चयन सूची बनाने में भी समय लगता है। हम लोग भी सर किसी स्कूल में टीचर है, मैं इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा। नेहा मैम बैठी हुई है, रघुवीर सर बैठे हुए हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं सर कि जब हम लोग अगर वैध हैं तो हमें एक कार्ययोजना स्पष्ट कर दीजिए। अगर किसी कारणवश, किसी अधिकारी के भूलवश कारणवश अगर विजय यादव या और भी कोई भाई हमारे या बहन हमारी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उनके बारे में बताइए सर, लेकिन इस तरह से आप हर एक मैटर में हम लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये सर सही नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं।